तो फाइनली यही है मंदिर है लिंगराज का। काफी अच्छे पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं लुक के लिए। तो यहाँ से शायद मिलता है टोकन, यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है भुवनेश्वर स्थित, उड़ीसा में जो स्थित है लिंगराज मंदिर, तो आज वहाँ का ब्लॉग होने वाला है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं, अभी लिंगराज मंदिर के सामने एक मार्केट है, वहाँ पर कोई शॉपिंग करने के लिए आए थे। देखिए सामने में इधर मंदिर सब दिख रहा होगा, ये सब भी है पुराना पुराना। तो जो मेन मंदिर है वहाँ पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो गाइस, कुछ कुछ मंदिरें उधर दिख रही है, बस चलते हैं सामने से देखते हैं। यहीं पे उसका एंट्री है आगे से, यहाँ से इसका प्रवेश द्वार है। देखिए मंदिर परिसर बाहर से किस तरीके देखने को मिलता है, सो देख सकते हैं यहीं से। काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं लुक के लिए। बहुत सारे पुजारी यहाँ पूजा भी करने के लिए आए हैं। तो इधर से होता है एंट्री और उधर से जाके बाहर निकला जाता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है बाहर का नजारा। तो चलिए देखते हैं अंदर जाने मिलता है कि नहीं, तो दर्शन करते हैं। तो यहाँ से शायद मिलता है टोकन, यहाँ सुना पड़ेगा टोकन और जाना पड़ेगा अंदर। तो यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा, देख रख रहे गाइस। मंदिर काफी खतरनाक है, अगर आप कभी आना चाहते होंगे तो आ सकते हैं, लेकिन मोबाइल और जूता चप्पल बैग ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर में, आपको सब बाहर में रखना पड़ेगा। देखिये हम भी रख रखे थे, टोकन लिए थे, 15 रुपया लेगा बाहर में और जाना पड़ेगा अंदर। तो मंदिर काफी अच्छा है, आप कभी आना चाहते होंगे तो आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इससे आगे की। तो गाइस यहाँ पे अभी हम आपको बाहर बाहर से दिखाते हैं, अंदर तो हम दर्शन कर लिए हैं। इतना मंदिर है, हजारों मंदिर होगा, इतना घूमते घूमते अंदर घुसे और पूरा जोर से पानी देने लगा था हमको, करीब 1 से 1.5-2 घंटा हमको यहीं पे हो गया अंदर में। तो चलिए दिखाते हैं कुछ बाहर से व्यू अगर दिख पाएगा तो, बने रहिए हमारे साथ। इधर से कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलेगा, वही है बड़ा सा मंदिर पेड़ के पीछे दिख रहा है वो, और इधर है इसका कैंपस, इधर भी एक मंदिर है। बाकी चलते हैं उस ओर एक चढ़ने का जगह है, वहां चढ़ के आपको दिखाएंगे ऊपर। और ये है अंदर में जाकर रेस्ट करने का एरिया, काफी अच्छा है ये भी। काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते रहते हैं। इस तरह का छोटे छोटे मंदिर और बड़े मंदिर तो हजारों में होंगे यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ मंदिर। इधर भी बहुत सारे गाड़ी फल की दुकानें, पूजा सामग्री की दुकानें हैं, और वही है मेन मंदिर। तो फाइनली यही है मंदिर है लिंगराज का, जो मेन स्थल है वो। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर और बड़े बड़े मंदिर है।
इस ओर इतना सारा दिख रहा है, फिर इससे अपोजिट साइड में भी बहुत सारा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और कभी आना चाहते होंगे आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है, लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।